পূর্বের শত্রুতার জেরে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে থন্তুমার কাণ্ড। এতে করে দুই পরিবারের 9 জন আহত। ঘটনা রাজধানী আগরতলার ভোলাগিরি এলাকায়। বর্তমানে তারা জিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। জানা গিয়েছে দুই পরিবারই নেশা সামগ্রী বিক্রির সঙ্গে জড়িত। নেশা সামগ্রী বিক্রি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ হয় রবিবার অধিক রাতে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। আহতরা জেবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে। তবে ওই এলাকাতে জাকির হোসেন এবং অভিজিৎ দেব দুজনে নেশা সামগ্রী বিক্রির সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার। তবে কে বা কারা প্রথমে কার উপর আক্রমণ করেছে সে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। অভিজিৎ দেবের পরিবারের পক্ষে অভিযোগ করেছেন শাহজান মিয়া, তার বন্ধুরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে অভিজিৎ দেবের পরিবারের উপর আক্রমণ করে প্রথমে পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত হচ্ছে, দুই পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা গ্রহণ করবে। নাম ডিটেলস দে দুঙ্গা উসকে ঘর মে অ্যালকোহল মতলব ইলিগাল লিকর মিলতা হ্যায় সা ইন দোনো কে গ্রুপ মে বহুত দিনো সে ঝগড়া চল রহা হ্যায় তো কুছ দিন পেহলে ক্লব ভি উসকো উন দোনো কো বিঠায়া থা মীমাংসা ভি হুয়া থা। আজ এক আদমি হ্যায় ইয়ে শাহজাহান কা ফ্রেন্ড হ্যায় উসকা নাম উত্তম মালাকার হ্যায় ও আয়া থা ওর দোনো জাকে কুছ লোগো কো বাহার সে ভি লেকে আকে উন দূসরে গ্রুপ মে অ্যাটাক কিয়া হ্যায় তো উসমে দোনো ইনজুর্ড হুয়া হ্যায় থোড়া इसलिए अभी हॉस्पिटल में है जी। कितने लोग इंजर्ड है? इसमें ऑलमोस्ट 7-8 लोग इंजर्ड है। किसी को अरेस्ट किया? नहीं नहीं नहीं, अभी केस ले रहे हैं, अभी अरेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल उस जगह का सिचुएशन कैसा है? नहीं, सिचुएशन अब कंट्रोल में है, CRPF भी लगा दिया है। मेनली ग्रुप का जो एनिमिटी है और क्लब वाले भी मदद किया बहुत सा, उन जो स्पोर्टिंग क्लब है वो लोग भी उधर ही है, वो लोग भी मिटिगेशन करने के लिए कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ है तो अभी हम लोग एक्शन लेंगे इसको। मेनली किस लिए, मैंने जो दो ग्रुप है किस लिए? एक्चुअली वही मतलब बिजनेस राइवलरी टाइप कि ये भी इलीगल लेकर कुछ सेल करता है ऐसा इन्फॉर्मेशन है और वो भी सेल करता है तो ये बहुत दिनों से इनका फाइटिंग चल रहा है कि ये कॉम्पिटिशन जैसे। तो आज इन लोगों ने जो उत्तम मलाकार जो है उसने बोला कि इसका दुकान हम बंद करते हैं चलो बोल के। सर जो दो ग्रुप में हुआ था उसका नाम क्या है? एक तो शाहजहान एक और उसका जो फ्रेंड है उत्तम मलाकार और दूसरा ग्रुप में है। दूसरा ग्रुप में राकेश देव है, अभिजीत देव है, राजू देव, संजय देव, प्रशांत देव, ये सब एक ही फैमिली का मेंबर्स है तो मेनली दो फैमिली के बीच में झगड़ा है। उसमें जो बाहर वाला है वो उसका नाम उत्तम मलाकार है, वो इसी एरिया में रहता है, थोड़ा प्रज्ञा भवन के पीछे रहता है, वो बार बार इधर आके शाहजहान के साथ बैठता है, दारू पीता है, ये तो उसने इंस्टिगेट किया। अटैक किसने पहले किसने किया? अभी कुछ लोग मतलब ग्राउंड में बोल रहे हैं, कुछ लोग शाहजहान अटैक किया, अभी क्लब वाले बोल रहे हैं कि अभिजीत देव वो लोग अटैक किया, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएगा। जो भी अटैक किया दोनों ग्रुप में ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे और जो भी इलीगल खबर आ रहा है वो भी हम लोग उसका भी धारा लगाएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इसका। वी रिपोर्ट आर न्यूज़।